Okay, good morning, students. Good afternoon, students. I'm Sriram Kargavkar, sir, and I will be teaching you mathematical statistics. And in the previous lectures, we have started with the concept of a few important basic concepts. So just let's revise all those concepts. So we have started with the unit one, that is the theory of probability. Let me know whether you are able to see the screen properly. And voice is audible. Anyone please unmute and tell me. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. So theory of probability, we have started, and we have seen that for theory of probability, these are the basic requirements. Means we cannot jump to the directly the fourth step or fifth step. Okay, we need to do some work. Okay, so what kind of we call it as a prerequisite. So which kind of topic we have to understand before starting the probability? First of all, the theory of probability or the history, then counting principles. Can I take a short questions to you? How many types of principles are there? Counting principles are there? Yes. So there are two types of, yes. Can you please tell me? Two, sir. Okay, which are those? Principles are M and N. Oh. Oh. Okay. Additional principle and multiplication principle. Very good. Okay. So what is the difference between those two? यानी कि क्या होता है, क्या difference होता है उसमें? हम अपने frankly बात करेंगे ताकि concept और अच्छे से समझ में आ सके. देखो अब काउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो दो तरीके होते हैं. एडिशन प्रिंसिपल होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है. एडिशन प्रिंसिपल कब अप्लाई करते हैं? जब आपके पास नंबर ऑफ वेज है ना. सपोज आपको परफॉर्म करना है दो टास्क. अभी यहाँ पे काफ़ी कुछ ये हो गया है तो मैं नीचे फ्री स्पेस में आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. एडिशन में क्या होता है, एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि आपके पास मान लो कि दो चीजें हैं करने के लिए, ए और बी, है ना. ए को एम तरीके से कर सकते हैं, बी को एन तरीके से कर सकते हैं. और एडिशन प्रिंसिपल में आप कोई भी एक परफॉर्म कर सकते हैं, ओनली वन. तो अभी दोनों कितने वे से कोई भी एक कितने तरीके से कर सकते हैं, एम प्लस एन वे. ठीक है, इज इट क्लियर? अगर आपके पास पेन है, फाइव ब्लैक पेन है और फोर जो है रेड पेन है, आपको एक पेन सिलेक्ट करना है. ओके, तो उसमें से आपके पास चॉइसेस है 4 + 5 = 9. तो बहुत ही सिंपल है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो. आपको चार कलर के पेन है या फिर अलग अलग है या फिर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन टू, देन यू कैन डू द चेंजेस अकॉर्डिंग. तो ये समझ में आया. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आपको साइमल्टेनियसली ऑल परफॉर्म करना होता है. मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ओके. तो इसमें आपके पास कितने वेज होते हैं? मान लो कि यही एग्जांपल को एक्सटेंड करता है, ए को एन तरीके से कर सकते हैं, बी को हम एन तरीके से कर सकते हैं. ये कोई भी टास्क हो सकता है, वर्क हो सकता है, जॉब हो सकता है. ओके, तो हमको ऑल एट अ टाइम, ऑल या फिर बोथ या फिर साइमल्टेनियसली, ऐसे अलग अलग वर्ड से ये अगर करना है तो हम ये कर सकते हैं एम इंटू एन वेज तरीके से, इतने वेज से कर सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों प्रिंसिपल को मिला के काउंटिंग प्रिंसिपल बनता है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. एग्जांपल अगर देना है तो अगर आपको, अगर मैंने एक बाइक का एग्जांपल दिया था, है ना, अगर ब्रांड्स कितने हैं बाइक के, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, आपको ज़्यादा पता है. उसमें ब्रांड्स मान लो कि चार ब्रांड्स है और हर एक ब्रांड जो है कलर कॉम्बिनेशन में आता है फाइव. तो आपको पर्टिकुलरली आपको जरूरत होती है, आप कोई भी बाइक नहीं उठा लेते जो भी हाथ में होते, आपको पर्टिकुलर ब्रांड के पर्टिकुलर कलर का चाहिए. तो आपको दोनों भी चीज़ें देखना है, ब्रांड भी होना चाहिए एंड कलर भी मैचिंग होना चाहिए. ओके, तो अपने पसंद के ही दोनों चीज़ें आप लेते हो, तो आपको दोनों परफॉर्म करना है. तो आपके पास चॉइसेस कितनी है, 4 × 5, है ना. एम इंटू एन का मतलब क्या हुआ, 4 × 5 में आपके पास 20 ऑप्शन है. ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ कलर करोगे या फिर आप सिर्फ ब्रांड को चूज कर को, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, है ना. आपको पर्टिकुलर ब्रांड की पर्टिकुलर कलर की बाइक स्कूटी जो भी है आपको खरीदनी है, तो आपके पास 20 ऑप्शन. ठीक है, तो अभी इसके क्यों जरूरत है,
मल्टीप्लीकेशन रूल प्रिंसिपल है ना। अब नेक्स्ट हमने देखा था कुछ कंसेप्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन रूल आपने समझ लिया, उसके बाद हमको ये देखना है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आया आपको? तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है, क्यों जरूरी है परमुटेशन कॉम्बिनेशन को स्टडी करना? मैं एक सिंपल सा, व्हाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसकी क्यों जरूरत है, क्यों अनफर्ड इनकी जरूरत? इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, मान लो कि आपको नंबर ऑफ बुक्स कम ले लेते हैं। सपोज आपको मैथ्स की बुक्स चाहिए, मैथ्स का 5 ऑप्शन है और स्टैट के बुक चाहिए, इसके मान लो कि इसके 6 और इसको 5 है सपोज, या फिर कम ले लेते कोई बात नहीं, इसको हम 5 ले लेते, इसको 4 ले लेते। तो मान लो कि मैथ्स के बुक्स को हम डिनोट करते हैं M1, M2 एंड सो ऑन M5, बराबर, और स्टैट के बुक को हम डिनोट करते हैं S1, S2 एंड सो ऑन S4, ठीक है। अब ये अजम करके चलते हैं कि हमको दोनों बुक्स एक साथ चाहिए, यानी कि एक सब्जेक्ट का 2 बुक्स हम सिलेक्ट करने वाले हैं, है ना, बराबर, पर वो अलग सब्जेक्ट के, डिफरेंट सब्जेक्ट, ओके। तो कितने में से कर सकते हैं हम? तो हम ये लिस्ट आउट कर सकते हैं, बराबर है, कि ये मैथ 1 का रहेगा तो स्टैट 1 रहेगा, ये मैथ 1 का रहेगा ये स्टैट 2 का रहेगा एंड सो ऑन, हम ये M1 S4 कर सकते हैं, या फिर मैथ्स का सेकेंड बुक स्टैट का फर्स्ट बुक M2 S2 एंड सो ऑन, ये रहेगा M2 S4, ठीक है, सो ऑन। इसमें और क्या ऑप्शन हो सकता है? M5, क्योंकि 5 बुक है मैथ्स के, तो S1 M5 S2 एंड सो ऑन M5 S4। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कितने आपने जो लिस्टिंग किया है वो कितने होंगे टोटल? 4 × 5 20 होंगे, बराबर, 20, ओके, एग्जैक्टली, वेरी गुड समझ। तो अब मुझे बताइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों है, मैं वो बता रहा हूँ। अभी आपके पास नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो है वो सिर्फ 4 और 5, टोटल 9 बुक्स है, तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, ओके, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ऐसे आप 20 कर लोगे। पर क्या होगा जब यहाँ पे 500 बुक्स रहेंगे, 400 बुक्स रहेंगे, तो क्या आप ऐसे ही लिस्टिंग करोगे? मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है, लिस्टिंग, तो क्या आप फिर भी लिस्टिंग करोगे कि ये पहला कॉम्बिनेशन, ये दूसरा कॉम्बिनेशन, और दूसरा आपके आपके पास इतना टाइम है? ये 2 चीज का मुझे जवाब दीजिए, यस और नो। अभी ये आप कर सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स कम है, पर अगर 3 डिजिट नंबर है बुक्स, तो फिर आप क्या लिस्टिंग टाइम और इतना टाइम है कि आपके पास नहीं है, तो इन 2 चीजों को तो बिना टाइम गवाए डायरेक्टली आपको ऐसे मेथड्स बता देंगे नंबर ऑफ वेज। Sir, you are not audible.
हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके, समबडी सेड दैट आई एम नॉट ऑडिबल. ओके ओके, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का मकसद ये है, विदाउट लिस्टिंग, जैसे हमने यहाँ पे किया, विदाउट लिस्टिंग एंड काउंटिंग. ये काउंटिंग भी नहीं करना है हमको, है ना, काउंटिंग भी अवॉइड करना है. कितना काउंटिंग करेंगे हम? तो विदाउट लिस्टिंग एंड काउंटिंग यू शुड नो द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स पॉसिबल. ठीक है, तो इसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है. तो अभी हम डिटेल में ये करेंगे. तो हमने एक साथ ये भी देखा था कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है. तो परमुटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स में लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीजें आ जाती है. ठीक है, तो परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. और कॉम्बिनेशन क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ये भी मैंने कल आपको बताया था. ओके, परमुटे, सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज परमुट. तो इसके इसमें हम सबसे पहले परमुटेशन को देखेंगे. सो परमुटेशन इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्या आपने ये पढ़ा हुआ है पहले से? हम इसको NCR या फिर NCR इस तरह के सिंबल हम यूज करते हैं. ओके, या फिर कई कई जगह पे ये भी सिंबल यूज करते हैं. ओके, तो आपको एक ही सिंबल को हम स्टिक करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो. हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे. ओके, तो यहाँ पे N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है टोटल ऑब्जेक्ट्स. ये ऑब्जेक्ट्स यानी कि क्या होता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट्स का मतलब लिविंग नॉन लिविंग एनीथिंग, है ना. ये लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, टोटल ऑब्जेक्ट्स. और R का मतलब क्या होता है ये सिंबल के अंदर में? R स्टैंड फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड. सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, मान लो कि पांच लोग हैं, पांच लोगों में से मुझे दो लोगों को सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट करना है. तो N हो गया 5 और R हो गया 2. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, नो? यस सर. ओके, थैंक यू मेघा. देन अब मैं एक लास्ट लेक्चर के बेसिस पे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे ज्यादा अरेंजमेंट्स आपको मिलते हैं, परमुटेशन में या फिर कॉम्बिनेशन में? एग्जैक्टली, और इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, है ना, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए. परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे कि मान लो कि आपको अभी कहीं एक, चलो ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, फ्रिज में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, तीन तरह के फ्रूट्स हैं. ओके, अलग अलग तरह के, मान लो कि एप्पल है, ऑरेंज है, और जो भी आपको पसंद का फ्रूट्स है वो है. तो अगर आपके पास अलग अलग चॉइस है, अगर फ्रूट चलेगा तो आप सिलेक्ट कर, सिलेक्शन, एनी फ्रूट आपको चलेगा, कोई भी चलेगा, जो हाथ में लगा वो खा लिया तो वो सिलेक्शन हो गया, आपने सिलेक्ट कर लिया. पर अगर आपने सोचा है कि आपको एक ही पर्टिकुलर फ्रूट चाहिए और वो एप्पल ही चाहिए, ऑरेंज ही चाहिए, ऐसा अगर पर्टिकुलर कंडीशन है तो आप बोलोगे अरेंजमेंट, यानी कि परमुटेशन. समझ में आया? तो परमुटेशन, अभी हम परमुटेशन की डिटेल में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन को उसके बाद समझेंगे. तो परमुटेशन में क्या होता है? परमुटेशन में होता है कंडीशन. कंडीशन मस्ट सैटिस्फाई. कंडीशन के साथ साथ हम पैरेलली बोल सकते हैं कि उसमें एक अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट होना चाहिए, बराबर है. ओके, और ये दोनों चीज, आइदर कंडीशन रहेगा या फिर ये रहेगा, अरेंजमेंट रहेगा. ठीक है, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए. ओके, तो हम कह सकते हैं परमुटेशन. मैं कंडीशन या फिर अरेंजमेंट क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से. एक जैसे कि कोई एक कॉलेज में टीम है ना, थ्री बॉयज
एक टीम जो है पार्टिसिपेट किया है और विन होके आई है, यानी कि विनिंग टीम हम बोलेंगे, विनिंग टीम है ना, किसी पर्टिकुलर कंपटीशन में। मान लो कि ड्रामा, हमारे कॉलेज से एक आध टीम गई और इसमें 3 boys 4 girls और 2 teachers, ठीक है, अब जीत गए ना, तो एक फोटोग्राफ लेना है, तो कंडीशन क्या है कि बीच में टीचर्स रहेंगे, टीचर और बॉयज सब एक साथ रहेंगे या फिर गर्ल्स सब एक साथ रहेंगे, बराबर। तो 3 boys को हम क्या बोल सकते हैं, 3 boys को हम B1, B2 और B3 बोल सकते हैं, टीचर्स को हम बोल सकते हैं T1 और T2 बोल सकते हैं, और गर्ल्स को G1, G2 एंड G4 बोल सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, पहली बात टीचर सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में कौन होंगे, टीचर्स होंगे, बराबर, ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन आपको लगा दिया है कि ऑल गर्ल्स टुगेदर, अगर ऐसे कंडीशन है तो वो सेटिस्फाई करके हमको अरेंजमेंट देखना है कितने हैं। तो फिर ऐसे केस में जो है टीचर्स को सेंटर में ही रखना है, तो वो ऐसे भी हो सकता है ना कि टू पर दूसरा टीचर फर्स्ट आए फिर सेकेंड टीचर आए, है ना। और गर्ल्स में अभी वो गर्ल्स कितने हैं, अभी 4 है, वो 4P4 वैसे ये हो सकता है, अभी ये डिटेल में हम देखेंगे। तो गर्ल्स एक साथ रहेंगे इसका मतलब वो लेफ्ट में भी हो सकते हैं या फिर वो राइट में भी हो सकते हैं। अगर गर्ल्स एक साथ रहेंगे तो इसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि बॉयज भी एक साथ ही रहेंगे। तो देखो इसमें 2 ही कंडीशन है, एक कंडीशन इनहेरेंट है, ओके। तो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद जो वेज मिलेंगे वो परमिटेशन होगा। तो इसमें आपने देखा कि हमारे पास कुछ कंडीशंस है, कुछ अरेंजमेंट है, आप चाहे कंडीशन बोलो या अरेंजमेंट, मैं आपको पहले बता दूं मैं दोनों को सिमिलर वर्ड ले रहा हूँ, है ना, कंडीशन या फिर अरेंजमेंट, ओके। तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे सिलेक्शन नहीं आएगा। सिलेक्शन का मतलब क्या है पता है क्या, अगर आप सेल्फी ले रहे हो ना, सेल्फी ले रहे हो तो आप बस 9 लोग इकट्ठा आ गए और कैसे भी सेल्फी ले लिया हमने, ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन कहाँ पे खड़ा है, बराबर। तो सेल्फी वाला एग्जाम्पल, आप सेल्फी का एग्जाम्पल आप ले सकते हो सिलेक्शन के लिए, यानी कि कॉम्बिनेशन के लिए, बराबर, कोई कहीं भी खड़ा है नो प्रॉब्लम। पर अरेंजमेंट परमुटेशन की अगर बात आ रही है तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस बनता है, ये सबको पता है, अभी सबको समझ में आ गया बेटा। तो थैंक यू, तो ये जैसे एग्जांपल दिया तो इसमें सब क्लियर हो गया है ना। अब मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो सेल्फी लेना, सेल्फी में हम देखते हैं क्या कौन कहाँ पे बैठा है, नहीं, तो जो जहाँ पे जैसे विनिंग टीम है, वर्ल्ड कप जीता है अपने इंडिया ने या फिर जो भी विनिंग टीम है, तो हम देखते हैं ना कि वो फोटोग्राफ वो कुछ अरेंज करके नहीं निकालते, सब एक साथ आ जाते और फोटो निकाल लेते, उसमें कोई ये नहीं होता है, यानी कि ऑर्डर नहीं होता है। पर अगर कुछ आप ओलंपिक के अगर विनर्स की अगर आप बात करोगे तो उनको जो दिया जाता है मेडल दिया जाता है, तो उसमें कुछ ये होता है ना, ऑर्डर होता है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो इस तरीके से वो ओलंपिक के विनर्स को मेडल वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है अरेंजमेंट है, तो चलो ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। और मैं एक बार बता दूं कि ये सभी जो लेक्चर्स जो रिकॉर्ड होते आते हैं वो वापस से मैं वो चैनल पे डाल देता हूँ, ताकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ज्वाइन नहीं कर पाते, कहीं पे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, कहीं किसी के न्यू एडमिशन होने की वजह से पिछला जो है लेक्चर्स मिस हुए होते हैं, तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और वो डाउट्स को क्लियर करना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके प्रॉब्लम को समझना भी हमारा काम होता है कि क्यों ये बच्चा अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है। जिसने 2-3 लेक्चर मिस कर दिए, बताओ वो कैसे करेंगे फिर प्रेजेंट लेक्चर में, कैसे रहेगा उसका, तो उसमें उसकी क्या गलती है, कोई गलती नहीं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए वापस से लेक्चर लेना मे पॉसिबल ना हो, बट ये तो कर सकते हैं कि लेक्चर रिकॉर्ड करके वो अगर कहीं पे हम स्टोर कर दिया तो वहाँ पे जब चाहे नए बच्चे हो या पुराने बच्चे हो, कोई भी रेफर कर सकता है, देख सकता है कि आज के दिन में लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था,
वो रेफर कर सकते हैं, समझ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, स्टडी के दौरान, एग्जाम के दौरान। तो ये हिसाब से मैंने वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो आप लोग कभी भी रेफर कर सकते हो। और अगर आपको अपडेट लेक्चर चाहिए तो आप उसमें क्लिक कर, ठीक है, सब्सक्राइब कर, ठीक है। एनीवे, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये लेक्चर अगर किसी सुनना है तो आप इसे रेफर कर सकते हो। चलो अभी परमुटेशन की तरफ आएंगे हम। परमुटेशन का बेसिक फंडा तो हमने समझ लिया है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस भी हमको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे परमुटेशन को थोड़ा सा डेप्थ में जाके, थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि परमुटेशन होता क्या है और इसमें कैसे उसका कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये नोटेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो परमुटेशन में जो है वो तीन केसेस है, ये तीन केसेस को अच्छे से समझ लो और कहाँ पे हम कैसे केसेस लगाएंगे वो आपको समझना है, बहुत आसान है। जैसे कि मैंने बोला परमुटेशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको अगर एग्जांपल देना है तो एक एग्जांपल मैं आपको इजीली दे सकता हूँ। मान लो कि अल्फाबेट जो है वर्ड्स के अपने ऑब्जेक्ट्स है और मैंने एक वर्ड लिखा है COMPUTER, कंप्यूटर। आप मुझे बताओ कि डिस्टिंक्ट है कि नहीं सारे ऑब्जेक्ट्स, यस और नो? यस सर, आर ऑल, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे है, डिफरेंट। अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, कौन बताएगा मुझे? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या लिखा है मैंने, ऑब्जेक्ट यानी कि अल्फाबेट। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है, अल्फाबेट। तो अल्फाबेट यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कोई डिजिट्स ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, डिजिट्स हो गए, लिविंग नॉन लिविंग। अगर मैंने पांच अलग अलग लोगों को बुलाया, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उनके साथ मैं परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करता हूँ अलग अलग, तो पर्सन जो है वो मेरे ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो ऑब्जेक्ट से किसी को कोई दिक्कत है कि क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, नहीं है ना, ठीक। तो अभी हम देखते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ, क्या कंडीशन लगा देता हूँ, मुझे टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं बता सकते हैं? एन, एन जो है वो कितना है, एन जो है एट है, वेरी गुड। और इसमें मुझे अब मैं कंडीशन रखता हूँ कि मुझे सिलेक्ट करना है थ्री, यानी कि सिंपली अगर कहा जाए कि ये अल्फाबेट्स यूज करके मुझे डिफरेंट थ्री लेटर वर्ड फॉर्म करना है ना। मैं इनमें से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकता हूँ और थ्री लेटर डिफरेंट वर्ड्स मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला दिखते हैं, ठीक है, हर एक का फॉर्मूला होता है। अब ये क्लियर हो गया तो मैं ये इरेज कर देता हूँ यहाँ से, है ना, ये सब इरेज कर देता हूँ, ओके। तो इसका फॉर्मूला अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। तो ये इसका फार्मूला है, ठीक। तो एन पी आर का ये फार्मूला है, जैसे कि मैंने कहा एन टोटल ऑब्जेक्ट आर से लेकर। तो आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, डिफरेंट थ्री लेटर वर्ड्स फॉर्म करना है यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, ओके। सो डिफरेंट थ्री लेटर वर्ड्स फॉर्म करना है, इसलिए हमने आर की वैल्यू थ्री रखा है, एन यानी कि इसके अंदर। तो ये कैसे कर सकते हो, अभी कोई बताएगा मुझे? यस, एट फैक्टोरियल अपॉन, अभी एन क्या है, 8 है, आर यानी कि कितना है, 3 है, करेक्ट, वेरी गुड, यस। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा अभी, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल, बराबर, ठीक है। अब इसको हमने फैक्टोरियल के बारे में पढ़ा था, एक फैक्टोरियल को दूसरे फैक्टोरियल के टर्म में ए कर सकते हैं, तो हम 8 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल के टर्म्स में मेंशन कर देते हैं, है ना, जैसे कि 8, 7, 6, और उसके उसके बाद हम क्या लिखेंगे,
बराबर वेरी गुड और फाइव फैक्टोरियल तो अभी देखो फाइव फैक्टोरियल कैंसिल हो गया है और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या बचेगा फाइनल आंसर मिलेगा अपने को कि 8 × 7 × 6 तो ये आप करके बता सकते हो मुझे 8 × 7 × 6 तो अगर आप देखोगे कैलकुलेट करोगे तो ये 336 वेरी गुड बेटा तो यहाँ पे हमको क्या पता चला कि कंप्यूटर के सारे लेटर्स अगर हम अल्फाबेट्स अगर हम यूज करते हैं तो 336 डिफरेंट थ्री लेटर वर्ड फॉर्म कर सकते हैं अगर फोर हो तो सिंपली आपको यहाँ पे फोर लिखना है आर की वैल्यू फोर लिखना है और आप कितने भी ले सकते हो पर आपको जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप 336 डिफरेंट वे से थ्री लेटर वर्ड फॉर्म कर सकते हो ये समझ में आएगा बेटा तो ये जो कैलकुलेशन ओके थैंक यू ये जो कैलकुलेशन है ये डायरेक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर में कर सकते हो जैसे कि ये वाला ये फार्मूला को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपके पास अगर नोटबुक और कॉपी नोटबुक और पेन है तो आप ये नोट डाउन कर लेना क्विकली ठीक है ये फार्मूला है तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है ना तो ये जो चीजें है आप ये अवॉइड कर सकते हो ऐसे ये तो बहुत ही सिंपल सा बेसिक कैलकुलेशन है आगे और भी कैलकुलेशन आएंगे तो वो हम मैन्युअली नहीं कर सकते ओके तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत होती है तो आप तुरंत जो है जब भी आपको टाइम मिलता है जल्द से जल्द आपको ये साइंटिफिक कैलकुलेटर परचेस करना है ओके तो क्योंकि टाइम अपने पास जो लिमिटेड है और तो कोई भी सिंपल सा नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर आपको परचेज करना है ओके ठीक तो आई होप यू गॉट इट तो अभी हम सेकेंड केस की तरफ आएंगे ठीक है ये आपको समझ में आ गया है मैं अभी इसको नीचे लेके आता हूँ ठीक है किसी को कुछ डाउट है बेटा इनमें कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हैं इसमें आपने नोटिस किया क्या कि ऑन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इसमें सारे के सारे अल्फाबेट जो है वो डिस्टिंक्ट है COMPUTER कहीं कुछ भी रिपीट नहीं है इसलिए हमने डिस्टिंक्ट रखा है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे ठीक है ओके अब मैं सेकेंड केस आता हूँ अगर आपने अब मुझे एक दो स्टूडेंट के नाम बताए तो हम उसमें चेक करेंगे किसके अल्फाबेट डिफरेंट है कोई भी एक नाम बता दो मुझे एक या दो नाम चलो बताओ जल्दी से शुभम नहीं नाम शुभम ओके SHUBHAM वेरी गुड फॉर द इनिशिएटिव शुभम अब मुझे बताओ ये केस वन में आएगा या टू में आएगा इसको वर्ड की तरह टेक इट एज अ वर्ड आर ऑल ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट डिफरेंट और सम आर रिपीटिंग यस अब मुझे कोई ऐसा नाम बताए जो डिस्टिंक्ट है इसमें अल्फाबेट सुमित ओके तो इसमें जो है सभी अल्फाबेट डिफरेंट है करेक्ट तो ये केस वन को बिलोंग करेगा ये केस टू को बिलोंग करेगा क्यों क्योंकि एच रिपीट हो रहा है ओके ठीक है कोई कुछ कहना चाहता था मुझे थोड़ा सा आवाज आया ओके तो अभी हम देखते हैं सेकेंड केस परमुटेशन को ओके परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिफरेंट यानी कि ऐसे केसेस जिसमें सारे के सारे डिफरेंट नहीं है रिपीट हो रहे इनफैक्ट बहुत से जो केसेस होंगे उसमें रिपीटेड अल्फाबेट रहेंगे जैसे आपने शुभम का नाम दिया तो शुभम यहाँ पे आए ठीक है अब शुभम ने सोचा भी नहीं होगा कि उसके नाम के अल्फाबेट्स डिफरेंट डिफरेंट वे से अरेंज करेंगे तो कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे
शुभम आप कितने कितने चलो शुभम पर शुभम को चॉइस नहीं, यहाँ पे जो है 3 लेटर ले सकते हैं, 4 लेटर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, पर अभी शुभम के पास में चॉइस नहीं है। यहाँ पे ऑल हैव टू बी टेकन, ऑल टेकन टुगेदर, यहाँ पे सारे के सारे अल्फाबेट लेने पड़ेंगे, ऑल टेकन टुगेदर, ठीक है, ऑल टेकन टुगेदर। यहाँ पे चॉइस नहीं है कि आप 2 ही ले लो 3 ही ले लो 4 ही ले लो, है ना। तो ऐसे केस में ना कौन सा फार्मूला अप्लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो एन पी एन, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट लिया जाता है इसलिए एन पी एन, परमुटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टेकन टुगेदर। हम इसको कैसे रीड करेंगे, पहले वाला इसको कैसे रीड करेंगे, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम, लिख के देना है क्या आपको, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। पर्टिकुलरली कहा जाए तो 8P3 का मतलब क्या होता है, परमुटेशन ऑफ 8 ऑब्जेक्ट टेकन 3 एट अ टाइम, पर यहाँ पे हमने पहले ही बोल दिया कि ऑल टेकन टुगेदर, तो यहाँ पे परमुटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट यानी कि परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकन एन टुगेदर का मतलब क्या हुआ, परमुटेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टेकन ऑल टुगेदर, ओके। तो इसमें क्या होता है, इसमें एन फैक्टोरियल होता है, इसमें एन वन फैक्टोरियल इंटू एन टू फैक्टोरियल, यहाँ पे एन के फैक्टोरियल। अब ये एन वन इंटू एन के क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वेयर एन यानी कि क्या, टोटल टोटल ऑब्जेक्ट्स, आप मुझे बताएंगे अभी ये टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, बताइए शुभम नाम के अंदर में कितने अल्फाबेट, ओके वेरी गुड वेरी गुड 7 एग्जैक्टली, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7, ठीक है। अब एन वन एन टू क्या है, अब यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि एस है, एच है, यू है, बी है, ए और एम है, करेक्ट। यानी कि शुभम जो नाम बना है वो 5-6 डिफरेंट अल्फाबेट से बना हुआ, बराबर, उसमें से एच रिपीट हो रहा है ना। तो एन वन क्या हुआ, एन वन यानी कि एस कितने हैं, तो एस कितने हैं, हाउ मेनी एस आर देयर, एस एक ही बार अपेयर हो रहा है। वैसे एन टू यानी कि क्या है, यस अगर एच कंसीडर करेंगे हम, एन टू को अगर एच कंसीडर करेंगे तो एच सिर्फ 2 बार अपेयर हुआ है, बराबर, बाकी सब n3=1, n4=1, n5=1 और लास्ट में n6=1, करेक्ट है या ही नहीं है, n1, n2, n3, n4, n5, ये समझ में आया। तो हम इसको कहेंगे n1 क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट काइंड इन जनरल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, पहले टाइप के ऑब्जेक्ट्स। एन टू का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेकेंड काइंड, दूसरे प्रकार के ऑब्जेक्ट्स। एन थ्री एन डैश एन के, एन के यानी कि kth काइंड के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो, ओके थैंक यू। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। शुभम ये जो वर्ड है, अभी मैं नाम नहीं वर्ड ले रहा हूँ, ये वर्ड के अंदर में जितने अल्फाबेट्स है उसको सारे के सारे एट अ टाइम लेंगे तो कितने वे से अरेंज होंगे। तो अभी इसमें आएगा 7 फैक्टोरियल, तो नीचे कितने आएंगे, एन वन कितना है 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ओके अब यहाँ पे सॉरी 2 फैक्टोरियल, ओके 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, आपको ध्यान में रखना है 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो सिर्फ जितने 1 से ज़्यादा अगर कुछ है उसी को अगर लिखा तो भी चल जाएगा, बट डेफिनेशन के हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो ये यहाँ पे कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब आप कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि शुभम ये जो अल्फाबेट है वो कितने बेस का है। 630। अगर 630, ओके आपने चेक किया बेटा, अगर मैन्युअली किया जाए मे बी यू आर करेक्ट, 7654 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो मैन्युअली अगर करने के लिए जाएंगे तो ये कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल / 2 फैक्टोरियल। नहीं ये ज्यादा, आप कैलकुलेट करके देखो, 2520 वैसे शुभम ने सोचा भी नहीं होगा। शुभम आपने सोचा था? यस वेरी शुभम, हैव यू थॉट ऑफ दिस? 2520। वेरी गुड। तो अभी शुभम को भी पता चल गया कि उसके नाम के अल्फाबेट्स सभी के सभी एट टाइम लेंगे तो कितने वे से हो सकते हैं, ये तो और दुगना हो जाता, ये 5000, ये 11040 हो जाते हैं, नहीं सॉरी ये 5040 हो जाते, ये 5040 हो जाते अगर H रिपीट नहीं होता तो, समझ लो आप। तो जो रिपीट हो रहा है ना अभी, H कौन सा है, H और H में कंफ्यूजन है ना, कौन सा H पहले है फर्स्ट है, ये चक्कर में ये आधा हो गए इसलिए वो डिवाइड हो रहा है, समझ में आया। अगर और भी लेटर होते तो और ये रिड्यूस हो जाता, ठीक है, तो डिवाइड कर रहे यानी कि वो रिड्यूस हो गए। ओके सर, हेलो, हाँ हाँ बोलो सर, 2 फैक्टोरियल कैसे घेतला तुम्हें, ये समझ में आया। ओके 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ओके 2 × 1 होता है, 2 × 1 असते, 2 × 1 को, हाँ फैक्टोरियल का मीनिंग समझने का बेटा, मैं परत एकदा सांगतो, ठीक है, ये थोड़े से इरेज करतो मैं आता, ठीक है, ठीक है, होप कि बाकी लोगों को ये समझ में आ गया है। ओके फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है फिर से बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, n × n-1 फैक्टोरियल एंड डैश अप टू 3 × 2 × 1 ऐसे सिंपलीफाई होता है। पर्टिकुलरली अगर 5 फैक्टोरियल लेते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। अब मान लो कि मुझे 4 फैक्टोरियल, तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखा सकता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि आगे जाके 2 फैक्टोरियल क्या होने वाला है, 2 × 1। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके अभी हम तीसरा वाला केस देखने वाले हैं, परमुटेशन विद रिपीटेशन, ठीक है। तो ये पहले के दो केसेस में आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस दिखाई देता है आपको, पहले केस में क्या है, सेकंड केस में क्या नहीं है? पहले केस में, इन फर्स्ट केस देयर आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, ऑल ऑफ दे आर डिस्टिंक्ट, एंड इन सेकंड केस में देखा, बट ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिफरेंट एट ऑल। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल 100% करेक्ट बोला आपने, इसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम ये फॉर्मूला, तो ये दो केसेस को याद रखना। तो अगर मैंने कुछ भी, अब मैं कुछ अल्फाबेट्स लिखूंगा, वो अल्फाबेट कौन से केस के अंदर में आएगा, एक छोटी सी प्रैक्टिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, एक छोटा सा सबको ग्रुप वर्क रहेगा, एक होमवर्क की तरह, होमवर्क नहीं क्लास वर्क। अब मैं कुछ वर्ड्स लिखूंगा, अल्फाबेट्स लिखूंगा, वो आपको मुझे बताना है कि वो केस 1 में आएंगे या केस 2 में आएंगे। अभी मैथमेटिक्स,
Mississippi. Physics. और क्या और सोच के बताइए मुझे, कौन से लेटर कौन से केस में आएंगे? आपको सिर्फ खाली केस नंबर बताना है, वन या टू। कौन बताएगा मुझे? चार स्टूडेंट जी इसको आंसर कर सकते हैं। यस, कितना डिफिकल्ट है बेटा? हेलो, हाँ बोलो। मैथमेटिक्स, दिस वर्ड कम इनटू सेकंड केस। वेरी गुड। यहाँ पे भी कुछ रिपीट हो रहा है क्या? PHYSIES, ये भी सेकंड केस में आएगा, ये भी सेकंड केस में। वेरी गुड। ओके, अगर सामने होते तो मैं जरूर आपको हैट्स ऑफ देता कि आपने अच्छे से आइडेंटिफाई किया। अगर इतना अभी जो मैंने वर्क किए आपको दिया है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको परम्यूटेशन के दो केसेस समझ में आ गए। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको समझ में आ गया। ठीक, ओके, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं अभी? यस सर। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट एक और केस है, परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन। परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन का मतलब, अब इसमें मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा, इसमें भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फिर तो ये केस वन जैसे होना चाहिए ना? केस वन जैसे होना चाहिए? नहीं, केस वन में नो रिपीटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। केस वन में रिपीटेशन नहीं होता है, एक बार जो आया वो दूसरी बार नहीं आ सकता। पर यहाँ पे नाम ही क्या है? विथ रिपीटेशन। तो ऑब्जेक्ट्स दोनों तरफ डिफरेंट ही रहेंगी, पर एक में रिपीटेशन नहीं है, यानी कि केस वन में रिपीटेशन नहीं है, केस टू में या केस थ्री में रिपीटेशन है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? NPR is equals to N into dash dash R times. N और R आपको क्लियर है? N और R का मतलब क्या है पता है ना आपको? N यानी कि टोटल ऑब्जेक्ट और R यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड। तो यस, वेरी गुड। तो इसके एग्जाम्पल अगर दिया जाए, आप सबके पास ATM है? सबके पास एटीएम कार्ड है क्या? ओके, एटीएम कार्ड में हमको 4-digit पासवर्ड होता है ना, पिन होता है, बराबर होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो अब मैं दो सिचुएशन आपको बताता हूं, एक में विदाउट रिपीटेशन और विथ रिपीटेशन। मैं बीच बीच में ना थोड़ा सा रिविजन लेते रहता हूँ। अब मुझे बताओगे कि विदाउट रिपीटेशन यानी कि कौन सा केस है और विथ रिपीटेशन? पर मैं हिंट दे देता हूँ, मैं फर्स्ट और थर्ड केस की बात कर रहा हूँ। विदाउट रिपीटेशन यानी कि कौन सा केस? फर्स्ट केस। वेरी गुड। और विथ रिपीटेशन यानी कि मैं बात कर रहा हूँ थर्ड केस में ही रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसका पिन आपको रिसेट करना है, तो दो कंडीशन। पहली कंडीशन में रिपीट नहीं होना चाहिए। अब डिजिट्स कितने आपको पता है ना? हाउ मेनी डिजिट आर देयर? कौन से डिजिट ले सकते हो? 0, 1, 2, 9। और विदाउट रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन के अंदर में
कोई भी डिजिट कितनी भी बार ले सकते हो, यानी कि 0000 या फिर 111 या फिर 1122 1221 कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, एक बार जो आप आ गया आ गया, दूसरी बार वो नहीं यूज करोगे, समझ में आया? तो इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगर आप समझ सकते हो, अगर आंसर दे सकते हो तो, अदरवाइज तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना आपको, कि आपको क्या करना है, फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट पिन आपको फॉर्म करना है। ये समझ में आ गया आपको? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में थम दो, या फिर आप अगर बोल सकते हो तो अनम्यूट करके बोलो, अगर नहीं तो थम दे दो। ओके ठीक है, ओके। जब आपका थम मिलता है बहुत अच्छा लगता है कि आपको समझ में आए, जो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, दे आर फ्री टू टॉक। दो तीन ही थम मिले क्या, दो तीन लोगों को ही समझ में आया? सर हमारा चैट बंद है सर। क्यों बंद है चैट बॉक्स सर? वो मेल आईडी नहीं। अच्छा अच्छा, आईडी नहीं मिला सर। ओके ओके, आईडी मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आईडी जल्दी मिल जाएगा, मे बी प्रोसेस में है, थोड़ा टाइम लगता है, मिल जाएगा, आप क्लास टीचर से बात कर सकते हो, है ना? ठीक ओके। तो अभी हम इसकी बात करें, विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है? अभी ये 10 डिजिट्स है, एन यानी कि कितना हुआ 10, ये सब एग्री करते हैं, और हमको आर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, फोर डिजिट पिन है ना, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 में से कितने यूज कर सकते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है, तो 10 में से 4। तो आपको विदाउट रिपीटेशन, यानी कि रिपीटेशन अगर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पे 10 ऑप्शन है। मैं परमुटेशन के लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ये 10P1, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, 10P1। ओके, मैं ऐसे कैसे लिखूँ इसको, स्लैश, आप डायरेक्ट ऐसे लिखो, कंफ्यूजन नहीं होना, आप डायरेक्टली 10 भी ले सकते हो, 10P1, देखो 10P1 का मतलब क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी कि क्या हो गया, 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, यानी कि ये 10 ही आने वाला है, आप 10 लिखो या फिर 10P1 लिखो, एक ही बात है, ओके। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस और ये थाउजेंड प्लेस, ठीक है। तो इसमें अगर एक डिजिट आ गया तो बाकी केस में कितने रहेंगे, 9, यहाँ पे एक आ गए तो यहाँ पे 8 रहेंगे, और आखिरी प्लेस में ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, कितने ऑप्शंस रहेंगे बता सकते हैं कोई, 7, क्योंकि रिपीट नहीं होने वाला है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे 10 ऑप्शंस है पर आखिरी प्लेस पे आपको 3 ऑप्शंस कम हो जाएंगे, 7 ही रहेंगे, ये समझा कि नहीं समझा? अगर परमुटेशन की लैंग्वेज में लिखना है तो 9P1 यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, 8P1 यहाँ पे 7P1 से लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब आपको क्लियर है? ठीक है, अब एक और बात, आपको फोर डिजिट पिन कब मिलेगा, जब आप सभी यूनिट प्लेस सभी प्लेसेस फिलअप करोगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल आ रहा है, ये ध्यान में रखो, आपके पास चॉइस नहीं है कि आप दो ही डिजिट लो, आपको एटीएम बोलता है क्या दो ही डिजिट दो, एक ही डिजिट दो, आपको तो सारे के सारे डिजिट्स वो उसमें फिलअप करने चाहिए, आपको अगर एक्सेस करना है आपका एटीएम तो आपको सारे डिजिट्स आने चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये सारे ये फोर डिजिट नंबर ही होना चाहिए, भले ही आप यहाँ पे जीरो डालो, 0123 लिखो या फिर 3120 लिखो, कुछ भी लिखो, रिपीट नहीं होगा और चारों फील्ड फिलअप होने चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे NPR यानी कि कितने वेज है, ये मैं केस वन की बात कर रहा हूँ, इसमें कितने केसेस होंगे, कितने आएंगे, ये सारे केसेस, यानी कि 10 × 9 × 8 × 7, ठीक है, जो भी आएगा। और इसमें आप अगर आपको डायरेक्टली करना है तो आप यहाँ पे 10P4 भी लिख सकते हो, ठीक है, आप चेक कर सकते हो
सबसे आंसर सेम आने वाले है, ठीक है, एट इंटू जीरो। तो ये कितने हो गए 50,040। और अगर आप ये कर सकते हो 10 P4 तो ये भी उतना ही आता है 50,040। इसमें कोई डाउट है? हमने दोनों तरीके से किया है, सिंपल वाला मेथड था और ये परमुटेशन वाला भी इसमें था। तो अगर रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन नहीं होने होने वाला है, तो ये केस वन है और इसमें हम रेगुलर वे से 5,040 वे से हम अपने पिन फॉर्म कर सकते हो यूजिंग द 10 डिजिट्स। आई होप ये सबको समझ में आ गया है। यस और नो, जल्दी से थंब दिखाओ, थंब या फिर आप बोल भी सकते हो। अभी मैं अपने थर्ड केस की तरफ आता हूँ। देखो डिफरेंस भी पता करना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें क्या डिफरेंस है ना। तो अभी इसकी बात करता हूँ। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, सबसे पहले ये अपने माइंड में आपको फिट करना है। रिपीटेशन अलाउड है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी प्लेसेस में यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड सबको रिपीट, कोई कहीं भी आ सकता है। यानी कि इसमें हर एक यूनिट में हर कोई डिजिट रिपीट हो सकता है ना, बराबर है। तो इसमें क्या आएगा, NPR क्या आएगा, और हमको पता है मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से सारे प्लेसेस फिलअप होना जरूरी है। एक भी अगर प्लेस हमने नहीं फिलअप किया तो 4 डिजिट नंबर मिलेगा ही नहीं, 4 डिजिट पिन नहीं मिलेगा, बराबर। तो इसके वजह से बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे कितना आएगा, 10 × 10 × 10 × 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी 10 P4 का मतलब क्या हुआ, देखो अभी 10^4 आया ना, बराबर 10^4। तो अपना फॉर्मूला क्या था NPR का इस केस में, m^r। चेक किया आपने, अपना फॉर्मूला क्या था इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ वो फॉर्मूला जो हमने लिखा हुआ है। ये देखो लिखा है ना, n × n × r टाइम्स, यानी कि n^r। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला हमको मिल रहा है ना। इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है। मान लो कि आप वो पिन नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूँ। आप इसमें ये भी अल्फाबेट लिख सकते हो, यानी कि 111, ये भी पिन हो सकता है ना, 0110 या फिर 000 भी हो सकता है, 9922 2219 कुछ भी हो सकता है ना। और अगर सारे रिपीटेशन अगर हमने यूज किया तो वो कितने वे से हो सकते हैं, 10^4, यानी कि कितना होता है, फोन कैलकुलेट करके बताएगा मुझे, 10^4 एग्जैक्टली। तो अगर आप रिपीटेशन को अलाउ करते हैं तो आप 10 डिजिट यूज करके आपके पिन जो है ATM पिन 10,000 अलग तरीके से सेट कर सकते हो, ओके। तो देखो अभी परमुटेशन और परमुटेशन का यूज देखिए यहाँ पे, कि 10,000 वे है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, आपको लिस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्टली वो काउंट मिल जाता है। यही सबसे बड़ा यूज है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। कहाँ से आवाज़ का डिस्टर्बेंस है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट को कि थोड़ी देर के लिए म्यूट कर ले, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, ओके। तो आई थिंक अपना टाइम अभी फिनिश हुआ है, नेक्स्ट टाइम में अभी कॉम्बिनेशन के, अगर आपको भी लेक्चर है बेटा आगे, ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं आपको कॉम्बिनेशन के बारे में बता दूँ, 1-2 मिनट लगेंगे और उसके बाद फिर मैं ये नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो अगर 2 मिनट अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत ही आसान है, कॉम्बिनेशन में एक ही तरीका है, कोई अलग तरीका नहीं है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मुझे कल मैं रिवीजन भी लूंगा और फॉर्मूला पूछूंगा मैं आपको, ठीक है। परमुटेशन के कितने केसेस है, हर केसेस का क्या फॉर्मूला है, ये मैं आपको पूछने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं जल्दी से कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब कर देता हूँ।
और वहां पे उसके बाद मैं लेक्चर को एंड कर दूंगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन यानी कि क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो हम एन सी आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट अगर करते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये देखो इसका पावर, इसका न्यूमरेटर डिनोमेटर कितना है, वन है ना। अगर ये उल्टा हो जाए, है ना, a अपॉन b अपॉन c अपॉन d करेंगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन b इंटू d अपॉन c, बराबर है। तो अभी देखो आपको ये ऐसा है, तो ऐसे भी लिख सकते, तो न्यूमरेटर क्या है इसके ऊपर फोकस करें, न्यूमरेटर क्या है, एक जो मैं आपको बताना चाहता हूँ एन पी आर है, इसका मतलब क्या एन पी आर और ये आर फैक्टर। तो देखो एन सी आर कॉम्बिनेशन कैसे मिल रहा है, परमुटेशन को डिवाइड करके, तो सबसे तो इसका मतलब क्या होता है, क्या कंक्लूजन निकल के आता है, एन सी आर इज ऑलवेज लेस देन एन पी आर। तो इसका मतलब ये है कि परमुटेशन से ज़्यादा मिलते हैं, अरेंजमेंट जो है ज़्यादा मिलते हैं, इससे कम मिलते हैं, समझ में आया आपको, यही चीज़ बताना था मुझे, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अगर एक एग्जांपल लेना है तो अगर देर आर फाइव स्टूडेंट्स, पांच स्टूडेंट्स है, उनमें से मुझे दो और तीन स्टूडेंट का एक ग्रुप फॉर्म करना है, ग्रुप ऑफ थ्री, ग्रुप ऑफ थ्री लिखता हूँ मैं, तो वो कितने वे से कर सकता हूँ मैं, फाइव सी थ्री वे से। तो फाइव सी थ्री वे यानी कि फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू फाइव माइनस थ्री फैक्टोरियल, ओके। तो ये फाइव फैक्टोरियल अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, कोई मुझे बताएगा इसका आंसर, तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्री फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, टेन आ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो कॉम्बिनेशन भी हमने कवर कर दिया है, अभी नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के, ओके। और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स होने के बाद हम ये देखेंगे, तो हम आगे जाएंगे एक्सपेरिमेंट्स, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरफ आएंगे, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये टॉपिक अगर होता है तो उसके बाद हम देखेंगे सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को, ठीक है। तो आपको हर पार्ट को अच्छे से करना है और हर एक टॉपिक को अच्छे समझना है, और कोई डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको मैंने जो लिंक दिया है वो लिंक पे फेसबुक से अंडरस्टैंड कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपका यहाँ पे अटेंडेंस लेता हूँ, और मैं आपके सामने यहाँ पे अटेंडेंस दूंगा आज के दिन की, मैं यहाँ पे अब्सेंट जो है उनको उनके नाम में पुकारूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सबके नाम लूंगा, जो अब्सेंट होगा उसके नंबर्स में लिखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे आज की डेट कितना है, व्हाट इज द डेट टुडे, आज की डेट है 26 अक्टूबर 2020, यस, ठीक है। तो आप सबको दिख सके कि मैं क्या नंबर लिखा, और जल्दी से आओ, और जिसका आने वाला है वो अनम्यूट करके रेडी रहेगा, ओके। यहाँ पे ठीक है, 6001 वन एब्सेंट है, टू प्रेजेंट सर,
अच्छा सबसे पहले मैं अटेंडेंस ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टाइम हम ये जो मैंने जो टॉपिक्स बोले वो टॉपिक्स की तरफ हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो. अभी लेफ्ट मत होना. थैंक यू वेरी मच.